नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। जनपद संबल से रामपुर जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। जनपद संबल पे सपा समर्थकों के साथ रामपुर जा रहे सदर विधायक इकबाल महमूद, विधायक पिंकी यादव, पूर्व विधायक राम खिलाड़ी को पुलिस ने लिया हिरासत में। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। बहजोई पुलिस लाइन में बनी जेल में कराया गया बंद। बस में बैठा कर भिजवाया बहजोई संबल सदर क्षेत्र से सपा विधायक हैं इकबाल महमूद, राम खिलाड़ी यादव, पिंकी यादव भी सपा विधायक हैं। इस विषय में उपजिलाधिकारी गुन्नौर ओमवीर सिंह का कहना है कि रामपुर में धारा 144 लगे होने के कारण एहतियात के तौर पर जनपद में सभी सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। जनपद संबल से समाचार इंडिया न्यूज से इस्लाम अली की रिपोर्ट। यादव इनका आवास है और हम देख रहे हैं कि इनके बेटे को पूरे फोर्स के साथ आपने इस समय जो है नजरबंद किया है। क्या है पूरा मामला? रामपुर में जो भी हुआ है कानून के तहत, उसके संबंध में सपा वालों को यथा का कानपुर में जाकर बड़ी संख्या में जाएंगे और बड़ी संख्या में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। तो किसी भी तरह से शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े, यहाँ भी नहीं बिगड़े और वहाँ तो जाने का सवाल ही नहीं। इसी तरह से हम इसीलिए हमने इनसे संपर्क किया और उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है और इसको बताया गया है कि अगर जो भी आप लोगों का प्रोसेस है वो जरूरी तो कर लिया जाए, लेकिन दूसरी जगह तो जाने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से वहाँ की भी शांति व्यवस्था प्रभावित होगी और यहाँ तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर। अच्छा, जैसा क्या माना जाए, गिरफ्तारी होगी इनकी? हाँ, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी होती है। अगर किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग होती है तो गिरफ्तारी होती है और मुचलकों पे उसे छोड़ दिया जाता। जैसे हम देख रहे हैं जो पूर्व विधायक के बेटे हैं अखिलेश यादव, वो आपके सामने बैठे हैं और क्या उम्मीद मानी जा रही है? एक बस भी मंगा ली गई है, ऐसा लग रहा है कि पक्का गिरफ्तारी तो होगी। क्या माना जाए, कितने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होगी? अब ये जितने भी होंगे ये पार्टी को, इन लोगों के ऊपर है। हम तो यही सभी से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था किसी तरह से प्रभावित ना हो, उसी कारण से गिरफ्तारी करनी पड़ रही है। जितने भी होंगे उसे गिरफ्तारी करके पुलिस लाइन ले जाया जाए, वहीं पर फिर इसको छोड़ा जाए। जैसा अखिलेश जी हम देख रहे हैं, आप सपा के जो पूर्व विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव जी, उनके बेटे हैं और इस समय आपको जो यहाँ का गुन्नौर का फोर्स है, यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी तरह घेर रखा है, क्या कहेंगे, क्या मामला है पूरा? देखिए, राष्ट्रीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रामपुर के लिए कूच करना था। सारी तैयारियां थी रामपुर जाने की। सुबह ही 6 बजे से पुलिस और प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को हमारे घर में नजरबंद कर रखा है और जो निर्देश था पार्टी का रामपुर जाने का, उसमें हम लोगों को नहीं जाने दिया और लोकतंत्र की हत्या। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है सुबह से ही 6 बजे से मुस्तैद थी और उसके बाद भी जो आपके पिताजी हैं जो गुन्नौर के पूर्व विधायक हैं, वो पुलिस को चकमा देकर यहाँ से निकल गए, क्या कहेंगे इस पर आप? अब पार्टी का निर्णय निर्देश था तो माननीय विधायक जी को वहाँ जाना था और जब घर पर सुबह ही फोर्स आ गई 6 बजे तो कैसे बाहर निकलते, लेकिन पार्टी के निर्देश का पालन करना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करना था। अच्छा, आप बताएंगे कि यहाँ पर इतना प्रशासन मुस्तैद होने के बावजूद आपके जो पिताजी हैं जो पूर्व विधायक हैं, वो निकले कैसे, किस चीज से निकल गए? वो लोहिया की विचारधारा से चलने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा लोहिया जी के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति हैं और वो साइकिल से भी चले जाते हैं और बाइक से भी चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, तो वो किसी ना किसी चीज से चले गए होंगे। अच्छा, चले गए होंगे। अच्छा, आपको ये जानकारी मिल पाई है, सूत्रों की माने तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया सिरसी महमूद के बीच में और पार्टी के जो कार्यकर्ता गिन्नौर विधानसभा क्षेत्र गए थे उनके साथ, उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी क्या माना जाए, इतना फोर्स, इतने जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके आवास पर है, क्या आपकी गिरफ्तारी होगी? हाँ बिल्कुल, अगर वो गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार देने को तैयार हैं।